इन दिनों पूरे विश्व भर कोरोना महामारी से आम नागरिक डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन अपराधियों और चोरों को इस संक्रमण होने का किसी भी प्रकार से खौफ नहीं दिख रहा है। हर दिन पूरे जिले भर में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जबकि इस मुसीबतों की घड़ी में पुलिस प्रशासन भी काफी सतर्कता बरत रही है। फिर भी अपराधियों को किसी भी प्रकार की कोई डर नाम की चीज नहीं है। फिर से एक बार बिहार पुलिस में रहकर सरकार को सेवा दिया था और वह पिछले साल ही रिटायर हुए। आज देर रात उसी के घरों को निशाना बनाया गया और लाखों रुपए की संपत्ति पर चोर ने अपना हाथ साफ किया। मधुबनी जिले के अरेर थाना अंतर्गत कपसिया गांव के रहने वाले पवन कुमार झा के घर में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। आपको बताते चले कि पवन कुमार झा, जो कि पिछले वर्ष बिहार पुलिस की सेवा देकर रिटायरमेंट ले चुके थे और वो अपने साले के बेटे की मंडल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने ससुराल गए हुए थे। इधर घर को सुनसान देखकर चोरों ने अपने काम को अंजाम दिया, जिसके बाद पवन कुमार झा को पता चला तो वो उल्टे पांव अपने ससुराल से भागे और अपने घर को देखा तो काफी चिंतित हो गए। वहीं जब गृहस्वामी ने अरेर थाना में शिकायत किया, तब जाकर पुलिस आई और फिर चोरी के वारदातों का मुआयना किया। बताया जाता है कि अरेर थाना क्षेत्र में अक्सर चोरों का तांडव देखने को मिल रहा है। मधुबनी से स्वदेशवाणी के लिए आलोक कुमार की रिपोर्ट। जैसे बताया जा रहा है, जो आपके घर में 5 लाख से 5 लाख से ज्यादा का लगभग चोरी आप बता रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, जो थाना पुलिस को आपने जो इससे पूर्व जो चोरी हुई थी आवेदन दिए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, नाम बताइए ना। खुल कार्रवाई क्या होगा? पुलिस का वही काम है जो 5 दिन होता है। अच्छा, कितने का लगभग चोरी हुआ है, क्या अंदाजा है? अरे 5 लाख के ऊपर का जेवरात तो लिया गया है। अब पैसा जो रहा हो नगद, नगद भी? हाँ, नगद भी था कुछ। कीमती कपड़ा भी? आपका नाम? पवन कुमार झा। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।